इस वक्त शाम के तकरीबन 6:30 बजे, और ये मेरी छोटी बहन ने फरमाइश की थी कि 2 से 3 लोगों के लिए, 2 से 3 लोगों की सर्विंग के लिए हलवा बनाना। तो मेरी सबसे छोटी बहन जो इस वक्त मेरे से बहुत दूर है, जर्मनी में है, तो उसकी फरमाइश पे मैं बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ली है ये सूजी, 1 प्याली सूजी, जितनी सूजी उतनी ही चीनी, और ये 3 अदद हरी इलायची, सब्ज़ इलायची, और ये थोड़े से बादाम, और ये देसी घी। ये देसी घी वही है जो मैंने घर पे बनाया था, और उसी में मैं अब इस वक्त हलवा बनाने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सूजी हमारी भून रही है। इसमें मुसलसल चम्मच लगाना पड़ता है, वरना ये एक साइड से अगर रुकी रहे तो फिर फौरन कलर पकड़ लेती है किनारों से सूजी। चम्मच से याद आया, ये चम्मच जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये मेरी भाभी मेरे लिए यूके से लेके आई हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, अगर वो देख रही हैं तो पहचान लेंगी, काफ़ी अरसा पहले लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद है, मैं इनको बहुत इस्तेमाल करती हूँ। सर्दियों में स्पेशली जैसे धुंध पड़ रही है, ठंड है, तो बच्चे इस तरह की अक्सर फरमाइशें करते हैं, सूजी का हलवा हो गया, वो चीनी वाली मीठी सेवैयाँ हम उनको बोलते हैं, वो भी मैं बनाऊंगी किसी दिन, मीठी सेवैयाँ हो गई, पकौड़े हो गए, तो शाम के टाइम अक्सर बच्चे ये फरमाइश करते हैं। और मैं तो फौरन उठ जाती हूँ, फौरन बनाने लग जाती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करके। और ये तो स्पेशल मेरी बहन की फरमाइश पे बन रहा है आज तो। सूजी में से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता ये अपना कलर भी चेंज कर लेगी।
ठीक है, सूजी अपना कलर चेंज कर रही है। पहले सफेदी माइल थी, अब ये पिंकिश में आना शुरू हो गई है, गोल्डन सी, लाइट गोल्डन सी। इसको हम गोल्डन नहीं करेंगे, सिर्फ इसका कलर चेंज करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इसका कलर चेंज हो गया, अब मैं आँच मज़ीद हल्की कर दूंगी ज़रा सी, और इसमें ये मैं शुगर शामिल कर, चीनी शामिल कर दूंगी, जितनी सूजी है उतनी ही चीनी है, और साथ ही मैंने ये माप के रखा हुआ है पानी, ये शामिल कर दूंगी। ये जितनी सूजी थी इतनी मैंने 2 कप या 2 प्याली पानी लिया है। तो जोश आना शुरू हो गया, जैसे ही ये पकना शुरू होगा अपनी लुक चेंज करता जाएगा, अपनी असल शक्ल में आना शुरू हो जाएगा। पानी मैंने 2 प्याली इसलिए डाला है क्योंकि आजकल की सूजियां जो वो बारीक होती हैं और चीनी भी पानी छोड़ती है। बस ये 2-3 मिनट में अब तैयार हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग इसको सख्त लुक में पसंद करते हैं और कुछ नरम में पसंद करते हैं, मैं नॉर्मल रखूंगी। बस इस टाइम पे मैं इसको दम दे दूंगी, और चूल्हा बंद कर दूंगी। बस दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं हलवे की असल लुक। ये देखें ना, मैंने इसको भुना है, इतनी अच्छी लुक में नरम और सॉफ्ट, और ये प्यास भी नहीं लगाएगा। आप चाहे जितना मर्जी खाएं, मोमन हलवा खाएं तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, ये प्यास भी नहीं लगाएगा। और फ्लफी सा, और कलर देखें कितना खूबसूरत है। अब इसकी मैं फाइनल लुक आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ये इसकी फाइनल लुक है हलवे की। मैंने इसके ऊपर बादाम और पिस्ता भी डाला है, ये आपकी अपनी पसंद है आप डालें या ना डालें, मुझे पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, वो नहीं डालते, उनके लिए मैंने अलग रखा है, और ये मैंने अपने लिए निकाला है। तो ये मैं आपको खा के बताती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही मुनासिब मीठा, और बहुत ही टेस्टी, ऐसे जूसी सा। ये मेरी बहन के नाम, और यकीनन देख रही होगी उसको पसंद आएगा। ये मेरी अम्मी की खास रेसिपी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोग बनाएं, आपको पसंद आता है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।